वेल क्या पुष्पा 2 में हमें रणवीर सिंह का केमियो देखने को मिलने वाला है एंड SRK ने एक नई मूवी साइन की है। साथ में आदि पुरुष के सेकंड सॉन्ग का रिलीज डेट अनाउंस हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही बड़ी बड़ी न्यूज को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आदि पुरुष के सॉन्ग के बारे में। तो फाइनली आदि पुरुष का सेकंड सॉन्ग का अनाउंसमेंट हो चुका है जो कि रिलीज होने वाला है 29th of May। वेल अगर सॉन्ग के बारे में बात करें तो सॉन्ग का टाइटल होने वाला है राम सिया राम। वेल इस सॉन्ग का छोटा सा क्लिप हमको ऑलरेडी देखने को मिल चुका है माता सीता के मोशन पोस्टर के साथ। वेल इसी के साथ अगली न्यूज निकल के आ रही करण जौहर की अपकमिंग मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। और ये मूवी रिलीज होने वाली है 28th of July एंड आज इस मूवी का फर्स्ट लुक रिवील हुआ है। एंड इस मूवी में हमें रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट देखने को मिलने वाली है। एंड इस मूवी का आज पोस्टर रिलीज हुआ है, या फिर तुम इसे पोस्टर का एल्बम बोल सकते हो। लिटरली मोर देन 10 पोस्टर्स आज के दिन रिलीज हुए इस मूवी के। वैसे अगर पोस्टर की बात करें तो सारे पोस्टर्स काफी कूल एंड रोमांटिक दिख रहे हैं। आई मीन कलरिंग काफी अच्छी खासी दिख रही है मूवी की। बस यही नहीं समझ में कि भाई 10 पोस्टर कौन रिलीज करता है यार एक दिन। नाउ लेट इट गो, हम आगे बात करते हैं और अगली न्यूज निकल के आ रही है पुष्पा 2 को लेकर। वेल कुछ दिन पहले हमें ऐसी न्यूज निकल के आ रही थी कि अक्षय कुमार का केमियो मे भी हमको पुष्पा 2 में देखने को मिल सकता है एज अ पुलिस ऑफिसर। बट अब कुछ ऐसी न्यूज निकल के आ रही है कि अक्षय कुमार के बदले अब रणवीर सिंह का केमियो हो सकता है पुष्पा 2 के अंदर एज अ पुलिस ऑफिसर। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अक्षय कुमार ने क्यों रिजेक्ट किया अपना केमियो करने से। ऑलरेडी उनका करियर एकदम डाउनफॉल चल रहा है। वेल अगली न्यूज निकल के आ रही है शाहरुख खान को लेकर। रूमर्स की माने तो शाहरुख खान एंड संजय लीला भंसाली की अगली मूवी आने वाली है जो कि बायोपिक होने वाली है साहिल लुधियानवी की। अगर आप साहिल लुधियानवी को नहीं जानते तो मैं बता दूं, वो एक पोएट थे एंड मूवीज के सॉन्ग के लिरिक्स भी लिखा करते थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है, शाहरुख खान एंड संजय लीला भंसाली की मूवी आएगी या नहीं आएगी? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखना। नाउ अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो अगली न्यूज निकल के आ रही है टाइगर वर्सेस पठान को लेके। वेल अभी कुछ सोर्सेस से ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गया है कि जोया एंड रुबाई मींस दीपिका पादुकोण एंड कैटरीना कैफ का रोल कंफर्म कर दिया गया है टाइगर एंड पठान के अंदर। और हाँ, ये कंफर्म न्यूज है, रूमर्स नहीं है। नाउ अब नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है शाहिद कपूर की अपकमिंग मूवी ब्लडी डैडी के ऊपर। वेल फाइनली ब्लडी डैडी का कल ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है एंड इस मूवी का रिलीज डेट होने वाला 9th of June। और ये मूवी हमको डायरेक्टली OTT पे देखने को मिलने वाली है, वो भी 100% फ्री। वेल हाँ, जियो सिनेमा ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है 9th of June को ब्लडी डैडी स्ट्रीम कर दी जाएगी, वो भी 100% फ्री। नाउ अब बात करें नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। तो नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है वॉर 2 के लेके। रूमर्स की माने तो वॉर 2 का रिलीज डेट बताया जा रहा है 24th of January 2025। अगर ऐसा हुआ तो इट मीन्स टाइगर वर्सेस पठान मूवी को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, मे बी हमको टाइगर वर्सेस पठान 2026 में देखने को मिले। वेल अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज के ऊपर। तो अगली न्यूज निकल के आ रही है असुर के सीजन 2 को लेकर। वेल हाँ, कल फाइनली असुर 2 का सीजन 2 अनाउंस कर दिया गया है। साथ में कल शाम को मूवी का टीजर भी आ गया, आई मीन सीरीज का। और असुर के सीजन 2 का रिलीज डेट बताया जा रहा है 1st of June और वो भी हमको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है ऑन जियो सिनेमा। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Till then, goodbye.